Hello class 7th, very very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. बड़ा पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है ओरल क्वेश्चंस, मैंने कहा था इसको कंप्लीट करने के लिए, तो आई होप आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स, जो पशुओं होते हैं पशु उनमें मटेरियल्स का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम देखेंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एस अमीबा, पैरामिशियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा, जो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जो जंतु होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामिशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, एटसेट्रा, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज वेरी सिंपल। उनके इन तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्व का, है ना, वो बड़ा ही सिंपल होता है, सामान्य होता है, आसान होता है। द न्यूट्रिएंट्स रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्रत्येक कोशिका जो कोशिका होते हैं उनके प्रत्येक भाग में ये डिफ्यूजन के द्वारा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। इन सिंपल एक्वेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एस हाइड्रा एंड जेली फिश, अगर देखें तो सिंपल जो एक्वेटिक मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं जैसे हाइड्रा और जेली फिश, इनमें जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का भी, वो वाटर के हेल्प से जाता है। ठीक है, वाटर के हेल्प से जाता है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्लियर है, हम कह सकते हैं कि इन सिंपल एक्वेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एस हाइड्रा एंड जेलीफिश, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मैंने कहा, वो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट सर्कुलेट्स थ्रू देयर बॉडीज। क्लियर है, आगे देखेंगे ह्यूमंस में। अब ये अभी तो एनिमल्स की बात किए, अब हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस देखिए, इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल आर कैरीड आउट, है ना। मानव में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, वाटर होते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड मतलब पचा हुआ खाना, पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, और जितने भी आपके अन्य पदार्थ जैसे कि वेस्ट मटेरियल्स हो गए, ये कैरीड आउट द बॉडी बाय ब्लड, ये ब्लड के माध्यम से क्या होते हैं, कैरी होते हैं। अब कह रहा है कि ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ब्लड कैसे फ्लो करता है, एक नेटवर्क होता है, कह सकते हैं कि ये एक जाल होता है ट्यूब्स का, विच आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, और इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड इज पम्प्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट, है ना, हृदय से पंप होता है प्रत्येक अंग जो होता है, प्रत्येक अंग जो हमारे शरीर का प्रत्येक अंग है सब में ये क्या करता है, ब्लड ब्लड के वेसल्स के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, जहां से ये कहां से पंप होता है, ये हार्ट से। सो द हार्ट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट स्प्रेड्स इन द एंटायर बॉडी एंड द ब्लड विच ट्रांसपोर्ट्स वेरियस मटेरियल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या कह रहा है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से क्या करता है, पूरे शरीर में जो शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें क्या करता है, स्प्रेड होता है मतलब फैलता है। कह रहा है कि जो वेरियस मटेरियल्स होते हैं एक साथ जिनको रखा जाता है और वो क्या फॉर्म करते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। बात समझ में आ रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स। दस द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किन किन चीज़ों से वो निर्मित होता है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। ठीक है बच्चों,
उसके बाद कह रहा है कि अब हम थोड़ा सा रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर मतलब ब्लड, जिसको रक्त कहते हैं। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड। ब्लड का कलर क्या होता है? ये लाल होता है, जो कि ब्लड वेसल्स में क्या करता है, फ्लो करता है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, सब में सभी ये फ्लूइड्स को स्प्रेड करता है ना। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, पहले हम बात देखते हैं। जैसे कि डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो पचा हुआ खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी वाली जो आंत होती है, वहाँ से पूरे शरीर के अंग में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू लंग। ऑक्सीजन कहाँ से करता है, लंग्स से बॉडी तक, है ना, फेफड़ों से शरीर के जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कोशिकाओं से यानी सेल से लंग तक ले जाता है। क्लियर है, यानी कि आप देख रहे हैं सर्कुलेट हो रहा है। अब कहता है कि ऑक्सीजन लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए यहाँ से प्योरिफिकेशन की बात हो रहा है, ठीक है। जो बॉडी, ये जो वेस्ट आपके लिक्विड होते हैं, लिक्विड वेस्ट होते हैं, वो आपके बॉडी सेल से कहाँ जाते हैं, किडनीज तक यानी वृक्क तक। वृक्क कहते हैं किडनीज को। और ताकि जो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट लिक्विड्स हैं, वहाँ से वो रिमूव हो जाए हमारे शरीर से। बात क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके। और उसके बाद कहता है द ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स। जो ब्लड होता है वो किससे बना होता है, दो कंपोनेंट्स होता है। जैसे फ्लूइड कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, आपका ब्लड प्लाज्मा आ जाएगा। और सॉलिड कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, ब्लड सेल्स आएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये ब्लड फ्लूइड कंपोनेंट और ब्लड प्लाज्मा, एंड सॉलिड कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, ब्लड सेल्स। इसी तरह से हम प्लाज्मा देखते हैं क्या होता है, ये एक लिक्विड पार्ट होता है ना, ब्लड का लिक्विड पार्ट कह सकते हैं कि इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इज येलोइश इन कलर। किस कलर में होता है, पीले कलर में। इट कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। और इस प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है, ठीक है, 90% पानी होता है। और इसके साथ साथ इसमें फूड होता है, वेस्टेस होता है, एंजाइम्स होता है एक्सेट्रा, जो कि डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या डिजोल्व हो सकते हैं, फूड यानी खाद्य पदार्थ, है ना, भोजन, जो वेस्टेज होते हैं वो, और एंजाइम्स इत्यादि। बात क्लियर है। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। पहला होता है RBC, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, है ना। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको WBC। उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।